प्रभु की महिमा हो हमारे बीच में। परमेश्वर के दास भाई एंजल चंद्रा है जो एक युवा है और परमेश्वर के राज्य के लिए हमारे उत्तर प्रदेश मेरठ से हैं, और वो जो प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को लेकर के बड़े बोझ के साथ ईमानदारी और खराई से, उनका जब हमारी बातचीत हुआ था सबसे पहले जब बुलंडी में प्रॉब्लम हुआ था, भाई ने सुन करके तुरंत यहां पर आया और जो एक ईमानदारी सच्चाई की न्यूज उन्होंने कवर किया एंजल टीवी के द्वारा, तमाम उन जो गलत रिपोर्ट था उसका खंडन किया और परमेश्वर की महिमा में बहुत बड़ा योगदान किया। और जब हम लोग इस कार्यक्रम को करने लगे, हमारे बड़े भाई डॉक्टर मनोज जैकब सर और दुर्गा यादव जी को जब उन्होंने आमंत्रित किया एंजल सर को, उन्होंने तुरंत बड़े हर्ष के साथ में उत्साहित करके आए, और मैं चाहूंगा जोरदार ताली बजाए हमारे एंजल भाई के लिए और आकर परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। उस सताव के समय कोई सबसे पहले खड़ा होने वाला व्यक्ति है, और जो बिना परिचित, जो मुझे जानता भी नहीं था, सिर्फ न्यूज देखा हुआ व्यक्ति अपना घर मेरठ से छोड़ दिया, कहा कोई परमेश्वर का जन सताया जा रहा है, इसके लिए हमारा प्राण भी चला जाए मैं वहां पहुंचूंगा, बिना जानकारी के व्यक्ति आया जो है। हालेलुया। और नी धड़क वहां से उतरने के बाद पहले यहां नहीं, पहले थाने में पहुंचा, जाके एसओ साहब से पूछा वहां क्या प्रॉब्लम है, आपने ऐसा क्यों किया, वहां उनको फिर घर पे आया, प्रेयर किया इस कलिसिया में जहां पे कोई नहीं था, प्रेयर किया, और प्रेयर करने के बाद गया, और तब से लगातार ये कलिसिया के लिए न्यूज बनाते रहे जो है, और छापते रहे कि वास्तव में सत्य यह है कि वहां कोई धर्म परिवर्तन नहीं है। प्रभु को महिमा मिले। जय मसीह की, 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 जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद इस सुंदर समय के लिए कि खुदावंद ने एक बार फिर आप लोगों के बीच में आने का मौका दिया। सभी का मैं थैंक्स करूंगा कि एक बार फिर आप लोगों ने वेलकम किया और एक बार फिर खुदावंद आप लोगों के बीच में लेकर आया। मनोज सर का, आप सभी का मैं थैंक्स बोलूंगा दिल से, और यही बोलूंगा आप सभी प्रभु के बड़े प्यारे प्यारे और अच्छे और अभिषेक दास हैं, और मुझे आप सबकी गवाही सुनकर पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और मेरा खुद का विश्वास भी बहुत बोलिए कि बड़ा, कि किस तरीके से खुदावंद ने आप पर, प्रभु ने आप पे अपना अनुग्रह किया, और आप तरी तरीके की परीक्षाओं से निकले हैं और उतना ही खुदावंद ने इस्तेमाल किया, तो ये सब सच में एक बहुत ज़बरदस्त बात है। खुदावंद 2009 की बात है, और 2009 की बात है, 15 अगस्त की बात है, सुबह 4 बजे मेरी आंख खुल गई और मैंने 4 से 6 बजे मैं इंडिया के लिए सप्लिकेशंस बना रहा था, प्रार्थना कर रहा था। मैं वैसे ये नहीं कह रहा हूं कि मैं रोज 4 बजे उठ के प्रार्थना करता हूं, पर उस दिन अपने आप में उठ गया और सुबह 4 से 6 के बीच में मैं प्रार्थना कर रहा था इंडिया के लिए, क्योंकि उस वक्त भी एक सताव की लहर आई थी, और जब वो सताव की लहर आई थी तो मैं इंडिया के लिए बस प्रार्थना कर रहा था, यहां पर खुदावंद का रिवाइवल आया, प्रभु का सामर्थ्य आया, अभिषेक उतरे, और जैसी 6 बजे मैं जाके दोबारा लेटा हूं, सिर्फ मैं लेटा हूं, मेरी आंखें बंद है, मैं सोया नहीं था, मेरे कान में बहुत तेज तलवारों के लड़ने की आवाज आ रही थी, जैसे तलवारें आपस में टकराती हैं, युद्ध चल रहा है, ऐसी आवाज आ रही थी, और वो मुझे याद आ रहा था कि मैं जब जा रहा हूं तो वो मेरी छत पे से आवाज आ रही है, तो मैं जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़ के जा रहा हूं, ये सब दर्शन में हो रहा है, और जब मैं सीढ़ी पे चढ़ के जाकर देखता हूं तो मेरी छत बहुत गंदी थी और बड़ा दलिद्दर पड़ा हुआ था वहां पर, और उसके बाद जब मैं देखता हूं तो वहां पर मुझे अचानक से एक क्रिएचर दिखता है, एक अजीब तरीके की एक आकृति दिखती है किसी पशु तरीके की चीज की, और वो ऐसे करके कुछ 15-20 फुट हवा में था ऊपर। जब मैंने उसे गौर से देखा तो उसका डार्क ब्राउन कलर था परों का, और जब मैंने गौर से देखा तो कम से कम 10 से 15 फुट ऊंचाई थी उस क्रिएचर की। जब मुझे पता चला तो पता चला ये कि शैतान का दूत है, एंजल ऑफ डेविल, ठीक है ना, और उसके बाद पता चला कि वो किसी से लड़ रहा है, और जब मेरी नजर दोबारा गई तो जिससे जो उससे लड़ रहा था वो परमेश्वर का स्वर्गदूत था, बिल्कुल सफेद, बिल्कुल वाइट, और बहुत जबरदस्त लड़ाई चल रही थी, बहुत जबरदस्त, इतनी तेज तलवारें उनकी आपस में एक दूसरे के साथ टकरा रही थी कि मैं बता भी नहीं सकता हूं, मैं ये ऐसा लग रहा था कोई हॉलीवुड की मूवी को देख रहा हूं मैं।
जब मुझे पता चला जो चीज मुझे बताई जा रही थी दर्शन में, वो ये बताई जा रही थी कि ये तेरे प्राण को लेने आया हुआ है, ये वाला दूत जो है, ये वाला फरिश्ता जो है, पर ये तेरे को बचाने के लिए है। और बहुत तेज लड़ाई चलते चलते जो परमेश्वर का स्वर्गदूत था, मे बी ही वॉज माइकल, मे बी, वो जो परमेश्वर का स्वर्गदूत था वो उसे खदेड़ता हुआ मेरे घर से बहुत दूर ले गया। और जैसे ही वो खदेड़ता हुआ दूर ले गया तो वो गायब हो गया। और जब वो गायब हो गया तो मैंने कहा, मैंने परमेश्वर के स्वर्गदूत को देखा, मैंने एंजल को देखा, मैं बहुत खुश था। मैंने कहा, प्रभु अगर ये आपका स्वर्गदूत था, अगर ये आपका भेजा हुआ फरिश्ता था, मैं इसे एक बार और देखना चाहता हूं। हुआ ये कि वो इस साइड से अबकी बार आया और बहुत तेज से उड़कर कम से कम 100 फुट दूरी पे वो रुक गया। और जब वो रुका तो उसने मुझे स्माइल करके देखा और सुनिए, मेरे सामने उसने ऐसे करके कुछ तान दिया, ऐसे हवा में। और जो उसने ताना था वो पता है क्या है? वो इंडिया का झंडा था। Praise the Lord! वो इंडिया का झंडा था। और ये मेरे को पता चल गया था कि जो प्रार्थनाएं तूने करी हैं वो सुन ली गई हैं और वो हां और आमीन में पूरी होने आ रही है। उसके बाद हम मध्यस्थी की प्रार्थना में थे अपनी मंडली में, और उस वक्त प्रभु ने मुझे प्रोफेटिक वर्ड दिया इंडिया के लिए। परमेश्वर निर्बलों को, परमेश्वर बलवानों को नहीं, निर्बलों को चुनता है कि उनके द्वारा बलवानों को लज्जित करे। परमेश्वर ने कहा उस वक्त कि अब इस जाति को परमेश्वर इस देश में चुनने आ रहा है और इसके जरिए इस देश के बलवानों को लज्जित करने आ रहा है। बोलिए आमीन, बोलिए सही होने जा रहा है, बोलिए आमीन, आमीन, बोलिए आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, सभी को जय मसीह की।